आपको भी मेरा आशीर्वाद है कि आप भी सुखी रहें सदा, हर मांग पूरी करें दाता आपकी। हमारा विशाल मंदिर, दिव्य मंदिर, प्राचीन मंदिर बहुत ही सुंदर है। जय विजयेश्वर देवता। सबको हाथ जोड़ के मेरी नमस्ते और सबको आशीर्वाद। सतगुरु सबको ठीक ठाक रखे, सबको खुशियां दे, और ताकि हमारे को भी आप खुशियां दे। आज ये बच्चे किसी गांव में मेला देखने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने भी मेले का आनंद लूटना है, इनको भी आशीर्वाद देना है और चैनल भी हिट करना है। यही हाथ जोड़ के आपसे दुआ है मेरी। सो गाइस, अभी हम यहाँ रुके हैं, भाई ने बूट पॉलिश करवानी है, तो बूट पॉलिश करवाते फिर चलते हैं। यहाँ छोटी सी दुकान है हमारा, ऊपर दूरी द्वाल बोलते हैं इसको, बाईपास दूरी द्वाल, और ये हमारी छोटी सी मार्केट है, यहाँ सब्जी की हर चीज की दुकान है यहाँ पे। तो गाइस, अब हम हो चुके हैं रवाना अपने सफ़र के लिए, और अब आपको खूबसूरत से सफ़र का आनंद देते हैं, और आप भी आनंद उठाइए खूबसूरत से सफ़र का, प्यारे प्यारे व्यूज़ का। और आगे रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगह आएंगे जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन हम ऐसे रुकेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम 20-22 किलोमीटर सोलन से वो जगह है जहाँ हम लोग जा रहे हैं ये ब्लॉग शूट करने के लिए, जहाँ पर ये विलेज मेला है, छोटा सा मेला भरता है, क्योंकि छोटा सा तकरीबन वहाँ पे 7-8 दुकानें हैं, ज़्यादा नहीं है, तो आप सोच ही सकते हो कि छोटा सा ही मेला भरेगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों गांव के मेले बहुत अच्छे लगते हैं, और जिस रोड पे मैं जा रही हूँ वैसे भी वो मेरा फेवरेट है। मेरी दीदी और मेरा भाई बोलते हैं कि वैसे भी तेरा उस रोड पर बड़ा मन लगता है, तो सच में उस जो नाहन रोड है मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। और चलो फिर आप इस खूबसूरत से सफर के एंजॉय कीजिए इस म्यूजिक के साथ। सो गाइज, ये रहा निगाली, यहाँ से निगाली शुरू होता है प्रफुल तक, और अब हम जो है हम बड़ो की साइड को निकल पड़े। अब निगाली ख़त्म हो चुका है, अब बड़ो की साइड को निकल पड़े, और ये जो पूरे जंगल है, ये पूरा जंगल जो है बान का है, और कुछ मिक्स है इसमें, चीड़ के पेड़ भी है बान के भी, और कुछ बीच में देवदार के पेड़ भी है यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है बड़ोग तक, निगाली से बड़ोग तक, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, क्योंकि धूप को मिशन नहीं लगती है, और आपको पता है कि जहाँ देवदार और बान होता है वहाँ कितनी ज़्यादा ठंड होती है। और कुछ पॉइंट्स बने हुए यहाँ पे टूरिस्ट के रुकने के लिए, तो वहाँ पे रेडियो वगैरह लगी है खाने पीने की। सो गाइस, अब हम लोग पहुँच चुके हैं बड़ोग, और ये रहा बड़ोग, बस बड़ोग के बाद आएगा कुम्हारहट्टी, और
क्योंकि मैंने बीच में काफ़ी सारे इसमें सीन कट किए, व्यूज तो बहुत अच्छे थे, मन नहीं कर रहा था, लेकिन एक घंटे से भी ऊपर की वीडियो जो है वो बन गई थी, तो इसलिए थोड़ी वीडियो शॉर्ट की। और अब हम जो है कुम्हार हट्टी की साइड को निकल गए हैं, और ये भी बहुत अच्छी जगह है। अब यहाँ पे जो है जब से बाईपास बना है तब से यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक कम हो गई है, अदरवाइज तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक होती थी। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं कुम्हार हट्टी, और ये रहा हमारा खूबसूरत सा कुम्हार हट्टी। और यहाँ भी 2 अक्टूबर से यहाँ पे मेला भरना शुरू होता है, 2 दिन का या आई थिंक 3 दिन का मेला होता है, तो कोशिश करूँगी आपको यहाँ का मेला भी दिखाने का, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है आपको कि गांव के मेले दिखाने की। वैसे काफ़ी बारी मैंने बहुत सारे ब्लॉग मेरे ऐसे हैं जो मैंने दिखाए हैं मेले के, और अगर आपको मेले के ब्लॉग मतलब अच्छे लगते हैं तो मुझे आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको एक प्ले लिस्ट बना दूंगी पूरे मेलों की, जो भी मैंने मेले शूट किए हैं अपने इधर के गांव के। तो अभी बहुत सारे मेले हो रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ जगह नहीं जा पा रही, क्योंकि आपको पता ही है कि थोड़ी ऐसे रहता है कि बिजी भी रहते हैं। जब हम पहुँच चुके हैं नाहन रोड पर, और दैनिया मेरा भाई खड़ा है। अब जो है अब हमारा यहाँ से थोड़ा ही सफ़र रह गया, ज़्यादा नहीं रह गया, तकरीबन हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर का सफ़र रह गया। और फ़ोन आया था मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकी, तो अब हम फिर से चल पड़े अपने सफ़र पे। और ये जो रोड है ये घुमावदार रोड है, इसमें मोड़ी मोड़ आते जैसे जिक जैक वाले, और पूरा दहन तक के रोड इसी तरह का है, बहुत ज़्यादा मोड़ी मोड़ आएंगे इस रोड पर। तो अगर आप कभी इस रोड पर आते हो तो प्लीज़ सेफ ड्राइव कीजिए, और खुद की भी रक्षा कीजिए और दूसरे की भी। तो कई बाइकर को मैं देखती हूँ या कई गाड़ी वाले की जो जिनको बस चलना ही नहीं आता और एकदम ऊपर ही आ जाते हैं, तो उस तरह से दूसरे के लिए भी खतरा होता है और आपके लिए भी, क्योंकि ज़िंदगी सबकी अनमोल है। तो ये आगे हम लोग, इस जगह का नाम है 0 पॉइंट, यहाँ से एक रास्ता जाता है सुल्तानपुर के लिए जो हमारा MMBU है, और एक रास्ता जो है सीधा नाहन के लिए चले गया। और ये जो रास्ता है नीचे ये गया है सुल्तानपुर के लिए MMBU के लिए, जहाँ पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे काफ़ी अच्छा इलाज होता है। मैं भी वहाँ पिछले साल एडमिट रही थी जब मुझे सर्वाइकल हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो अब हम आगे की साइड जा रहे हैं, और जैसे कि आप देख ही सकते हो रोड काफ़ी ज़्यादा घुमावदार है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है मोड़ मोड़। सो गाइस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं गांधी ग्राम, और यहाँ का नाम है गांधी ग्राम। और यहाँ से ठीक 3 किलोमीटर आगे जो है हम जहाँ जा रहे हैं मेले में, 3 किलोमीटर है वो जगह, ये है गांधी ग्राम, और 3 किलोमीटर जा रहे हैं।
फाइनली गाइस हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। बस ये जो आगे आपको फ्लैट दिख रहे हैं इससे नेक्स्ट जाना है हमें। सो हम फाइनली पहुंच गए हैं और ये हमारा पॉइंट, यहाँ लगाएंगे हम स्कूटी। बस यहाँ जहाँ ट्रक आ रहा है वहाँ से जो है मेला शुरू हो रहा है। तो गाइस इन अंकल को आपने काफी बार देखा होगा हमारे ब्लॉग में, ये चाय की दुकान है इसी पॉइंट पर इनकी, ये देखिए। और ये कुछ अंकल ने अपनी हरी सब्जियां वगैरह भी लगाई हुई, ये देखिए। ये फलियां बोलते हैं ना अंकल इनको, हाँ जी हाँ जी मेरे को पता है, सेम फली है ना ये, हाँ हाँ सादा सादा बालड़ी भी बोलते हैं। और उस जगह पर मेला है और ये रहे भाई साहब और उस जगह पर मेला है, वहाँ जाना है अभी हमें। सो गाइस चलते हैं आगे की तरफ। हाँ अच्छा सब्जी फ्लैट। सो गाइस यहाँ से गांव का रास्ता गया जो बोली वाला गांव है वो आगे जाके है, काफ़ी 30-40 घर है वहाँ पर जाके आगे। और हम आए उस तरफ से सोलन की तरफ से और ये रहा सराहा रोड, नाहन सराहा रोड है। सो गाइस वो रहा सामने मेला, यहाँ से स्टार्ट होता है। और गांव के मेले आपको पता ही है कि छोटे छोटे होते हैं पर अच्छे होते हैं। तो इस तरह की कुछ दुकानें लगी हुई आप देख ही सकते हो सामने। और यहाँ पे हो रही है कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? नाइन्थ और टेंथ के सारे? हाँ जी। अच्छा वैसे तो लग रहे आप लोग ऐसे कि जैसे कॉलेज में पढ़ते हो? नहीं कॉलेज में लग रहे हो। ठीक है ओके बाय। ठीक है बाय। सो गाइस ये रही हमारे पहाड़ों की शान जलेबी एंड पकौड़ा जलेबी हमारे हिमाचल की शान है। और ख़ास करके हमारे सिरमौर साइड तो जलेबी बहुत ही ज़्यादा चलती है। और अभी दुकान में लग रही है क्योंकि आज फर्स्ट डे है मेले का और कल लास्ट है, तो दो ही दिन का मेला भरता है यहाँ पे बोली में। और यहाँ का गाँव का नाम मैं आपको बता देती, बोली है यहाँ का नाम। और छोटा सा मेला भरता है, कल बड़ा मेला भरेगा जहाँ पे दंगल होगा, कुश्तियाँ वगैरह और कुछ स्कूली बच्चों के कल भी कार्यक्रम रहेंगे। और यहाँ पे वो सामने विजयेश्वर महाराज जी का मंदिर है, अभी जाएंगे आपको मंदिर भी दिखाने के लिए। और भंडारा भी यहाँ पर होता है आज के दिन क्योंकि आज पहला मेला है। और अभी जो है शॉप्स वगैरह लग रही है धीरे धीरे क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी आ गया, अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ पे 11:30 बजे।
सो गाइस यहाँ लास्ट दुकान तक है और ये यहाँ पे लोकल सब्जी बेचते हैं, साथ में आपको दिख रही होगी, यहाँ पे लास्ट है और यहाँ से ही शुरू होता है, बाकी आगे तो जंगल ही है पूरा। कई बार आपको दिखाया है मैंने ब्लॉग में अपने, और मेला जो है वो उस तरफ है, उस तरफ जाके। सो ये देखिए करेले हैं, छोटे छोटे से हैं, बाकी ये बीन्स है और कद्दू है, खीरे हैं, और ये क्या है साथ में? अच्छा ये तोड़ने के लिए है, ये अचार है। अच्छा, और ये इन्होंने अपना लोकल अचार रखा हुआ है, और ये आंटी की शॉप है। आप तो यहीं से होने लोकल, कहाँ रहते हैं? तो गाइज ये रहा सामने गांव यहाँ का गोली का, मैं आपको एक बार दिखा देती। और यहाँ पे जो है वो नीचे ग्राउंड है, वहाँ पे मैच वगैरह होते हैं सर्दियों में, और ये पार्क फ्लैट वगैरह बने हुए हैं। गांव है ये, इससे पिछली तरफ भी गांव है। जो पानी के दफ्तर में थे। सो गाइस मैंने आंटी को चाय का ऑर्डर दिया, अभी चाय पीते हैं। आंटी जी ने बढ़िया बना रखी है ना चाय, नहीं तो कहीं कहीं को बोलो ना भी मीठा कम डालना, फिर भी वो डालते ही हैं ज्यादा। सो गाइस ये रही पहाड़ी लस्सी, उत्तराखंड वाले बोलते हैं इसको मट्ठा और हमारे बोलते हैं इसको लस्सी, छा, पहाड़ी भाषा हमारे छा बोलते हैं इसको। तो ये आंटी से मैंने ले लिया, ये 20 की है ना आंटी, 20 रुपए की है, तो ये मैंने आंटी से ले लिया। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं विजेश्वर देवता जी के मंदिर, तो हमारे साथ दो स्थानीय निवासी है जो यहाँ के, वो साथ जा रहे हैं मंदिर के लिए, तो कुछ इस तरह का रास्ता है। पहले आपको दर्शन करवाते हैं विजेश्वर महाराज जी के। वाइस ये जो है गांव का रास्ता है, ये गांव की साइड गया, और हमने जाना है मंदिर, तो हम जाएंगे इस साइड। आना पहले के ही रहना, आना तो आजा। सो ये देखिए काफी सब्जियां भी लगी है यहाँ इस तरह से, मक्की बस अब पकने वाली है कुछ टाइम बाद, और इसकी कटाई भी शुरू हो जाएगी, और ये लगी है मिर्ची वगैरह तेज, ये कद्दू वगैरह है कुछ, वो सामने काकड़ी है, ये देखिए काकड़ी लटकी हुई है, और ये कुछ पतीड़ लगे हुए हैं। सो गाइस ये है जडंत, इनको खा के थोड़ा मतलब गला कसा कसा सा लगता है, उस तरह का टेस्ट होता है, कैंथ की तरह ही होते पर इनको जडंत बोलते हैं। सो गाइस मैं अभी थोड़ा सा रास्ता भटक गई थी, क्योंकि जो मेरे स्थानीय लोग जा रहे थे वो थोड़ा सा आगे निकल गए, और मैं मतलब वीडियो बना रही थी तो मैं पीछे रह गई, तो थोड़ा रास्ता भटक गई थी, लेकिन अब उन्होंने इशारा किया मुझे तो मैं आई हूँ यहाँ से। तो वहाँ उस जगह पे है सामने मंदिर, उस जगह पे पार, और ये देखिए चीड़ का, ये देखिए चीड़ का,
ये देखिए जंगली जानवरों ने ये मक्कियाँ टमाटर कैसे फेंके हुए हैं खा के। ये देखिए कैसे बर्बाद की हुई है मक्की, थोड़ी थोड़ी खाते और फिर ऐसे फेंक देते हैं। ये देखिए सारी जो है इस साइड को बर्बाद की हुई है जंगली जानवर जैसे बंदर वगैरह उन लोगों ने। ये देखिए रहा हमारा विशाल मंदिर, दिव्य मंदिर, प्राचीन मंदिर, बहुत ही सुंदर है। जय विजेश्वर देवता जी, और इन्हीं को ही ये मेला समर्पित है बोली का। हालत काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई है क्योंकि तकरीबन 5 से 1 किलोमीटर है ये मंदिर, और फटाफट भाग भाग के, और पगडंडी रास्ता है, बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, तो लेकिन अच्छा लगा ट्रैकिंग करके मंदिर में आना अच्छा लगा, क्योंकि वैसे भी मंदिर के दर्शन के लिए थोड़ा तो चलना ही पड़ता है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, गांव में आके बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। और अब चलते हैं अंदर। अच्छा, और ये मंदिर है, यहाँ पे अभी पूजा याचना चली हुई है, यहाँ पे मंदिर में भोग लगाया जा रहा है। तो भैया ये यहाँ भंडारा वगैरह भी करवाते हैं? अच्छा, तो वो मेला कमेटी वाले करवाते कि मंदिर कमेटी वाले? मेला कमेटी। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे गांव वाले मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे। आपको पता है कि हमारे देवभूमि है, तो हमारे यहाँ के लोग तो वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, भोले भाले होते हैं। सो गाइस ये रहा बोली गांव, और कितने घर है भैया यहाँ पे? कम से कम 40-50 घर। तो 40-50 घर है यहाँ पे टोटल, बहुत बड़ा है और काफ़ी डेवलप जगह है, ये डेवलप विलेज है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे भी बन रहे हैं घर। तो हम मंदिर से वापस आ गए। सो गाइस यहाँ पे तैयारी चल रही है, चीफ गेस्ट आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। सो आ चुके हैं, अब उनको हार पहनाएंगे। और ये हमारे बीच दूसरा सेमीफाइनल मानवी का 1 vs. 16 बोली के साथ फाइनल मैच में उतरेगी यूनिट के। सुदेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत, मुख्य अतिथि के साथ आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, देव ब्रजेश्वर मेला कमेटी बोली। काफी अच्छी गेम वहां पर,
हमारे संजू पहलवान जी को सम्मानित करेंगे, अशोक हमारे जो पत्रकार मित्र और भाई, और इस तरह हमारे आज के मुख्य अतिथि और उनके सभी मौजूद लोग। खीर है, सूजी का हलवा है। अच्छा जी, पूरी है, खीर भी और सूजी का हलवा भी है, मीठे भी है, दो दो चीजें। अच्छा जी, हमारे लिए चावल है। बिल्कुल दिखाओ आप, ये टिक्की है ना, ये इनका स्टॉल है जी। सो यहाँ का ब्यूटीफुल सा प्लेस हाय कर दूँ, बोलो चैनल सब्सक्राइब करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके थैंक यू। ये है यहाँ का हाई सेकेंडरी स्कूल, वो सामने दिखाई दे रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये यहाँ का हाई सेकेंडरी स्कूल बोली। सो भाई से पूछते हैं कि भाई को यहाँ का मेला कैसा लगा? वैसे तो भाई को गांव के मेले अच्छे, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, लोग कैसे लगे यहाँ? लोग भी अच्छे हैं, लोग बहुत ही प्यार वाले हैं ना, इतने रिस्पेक्टफुल लोग हैं यहाँ पे कि मैं होते हमारे हिमाचल के हर जगह के, पर यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ का भी अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा। तो भाई को ठीक लगा ना यहाँ पे? भंडारा कैसा लगा? अच्छा लगा, टेस्टी था ना। अच्छा क्या उम्मीद करती हूँ कि आप सब उम्मीद करती हूँ कि आपको मेले की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी होगी तो हाथ जोड़ के बेचती है कि शेयर करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, यही आपके चरणों से मांग। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं। जलेबी कैसी लगी आपको? जलेबी अच्छी है, मीठी है। आपको भी मेरा आशीर्वाद है कि आप भी सुखी रहें सदा, हर मांग पूरी करें दाता आपकी।